ये चिपक ली, चिपक क्या रही? अरे यार तुम अब क्यों लड़ रहे हो? अभी चलो यहाँ से। एक मिनट मैडम जी, ऐसा कौन सा आइडिया है आपके पास जिससे हम यहाँ से एकदम फटाफट भाग सकते हैं? बताइए। मेरे पास ये दिमाग आप ही के पास है तो आइडिया भी तुम्हारे पास ही होगा ना, बताइए। अरे ऐसे कैसे, आप क्यों नहीं दे रहे आइडिया? मैं कहाँ से आइडिया दूँ, मेरा दिमाग तो एकदम अतरंगी है ना। मेरे आइडिया जो है वो रिस्की होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तुम ऐसा कोई आइडिया दो जो एकदम सिंपल सा हो, जिसमें ना कोई रिस्क हो ना टाइम लगे। हैशटैग सुपर वुमन का सुपर आइडिया। से वेटिंग, बताइए। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा इस वक्त। माँ मुझे 2 मिनट दे देना। चलो मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ। 3 मिनट? जल्दी करो, अभी 2 मिनट 55 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास, जल्दी से आइडिया दो। अरे यार पहले बाहर निकलते हैं फिर सोचते हैं ना, कम ऑन, पागल हो गया पूरा? आइडिया चाहिए, आइडिया दुनिया बदल सकती है एक आइडिया। बताओ 2 मिनट 50 सेकंड है अब तुम्हारे पास, टेल मी। अरे दीदी दीदी जल्दी सोचो, यहाँ से बाहर निकलना है हमें। मैं कैसे सोचूं, टाइम टाइम दिखा के कैसे कोई? बताओ। समझने में 15 सेकंड निकल गए, आइडिया कब देंगी ये? आप बोलेंगे तो मैं सोचूंगी कैसे। आप ये क्या कर रहे हो, चलो ना यहाँ से। एग्जैक्टली, जल्दी करो। अरे नहीं, चुप रहने को बोलो, तभी तो मैं सोच पाऊंगी ना। हाँ, चुप रहने से क्या होगा, आइडिया तो तुम्हें देना है ना। अरे लेकिन एक मिनट, आप बोलिए मत। अरे जल्दी से सोचो, अब ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास, सिर्फ 30 सेकंड तो निकल गए, 2.5 मिनट बचे हमारे पास, पता नहीं क्या होगा, बोलो। देखिए आप, हम यहाँ, अरे लेकिन, अच्छा I'm sorry? ये तुम्हारा आइडिया है? ये किस आइडिया है? सॉरी मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, आप प्लीज अपना दिमाग चलाइए और कोई आइडिया निकाल, और आप आइडिया देंगे तो आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। कुछ भी, मैंने बोला ना मैं करूंगी। देखो याद रखना, मैं तुम्हें आइडिया तो दे दूंगा लेकिन कुछ भी तुम याद रखना, ठीक है? हाँ। तो आइडिया तो बहुत सिंपल है, हमें बस गाड़ी में बैठना है और यहाँ से निकलना है। गाड़ी बाहर है। अरे कौन सी गाड़ी? अरे संग्राम सिंह के गुंडों की गाड़ी, जिसे लेकर हम यहाँ तक आए थे, और जिसकी चाबी। मेरे पास है। आओ, come on, let's go there. ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये आइडिया तो मुझे आना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो अतरंगी और तुम्हारा दिमाग ना। चले come on, let's go. एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, घूंघट में हटा दूं क्या? अरे भले शादी मेरी हो रही है ना, चल बिछड़, तुम अपना फोटो खींचो सारे, चलो। हमारा ही नंबर है। अरे शर्म छोड़, अभी तो शादी होगी पूरी भाई, अब घूंघट उठा दो, अब इंतजार नहीं होता। भाई साहब एक झटके में हटा दूं ना। बदले ये गया घूंघट पीछे। भाभी जी को दाढ़ी आ गई। अब ये साला पूरब किधर चला गया? साला कहीं वो तो ना भाग गया? अरे साले बोल साले, कहाँ दिशा का? और तू दुल्हन बन के क्यों क्यों आया साले, क्यों आया साले? वो दिशा का भाई आया था भाई साहब, अभी अभी तो रॉक स्टार। अरे गलते पड़ तू बता ना साले, अभी कहाँ से आ गया साले, अभी कहाँ से आ गया बोल भाई साहब। भाई साहब वो आपने मुझे भाभी को लेने भेजा था ना, वो वही पता भाई साहब। अभी कहाँ से आ गया, कहाँ खड़ा था वो? साले उसने तुझे दुल्हन बना के भेजा, तू साले चुपचाप आके यहाँ बैठ गया,
अभी तो तू क्या साले, अब तो तू क्या? भाई साहब वो यही था मेरे पीछे, मेरे ऊपर गन लगाए खड़ा था। अगर मैं कुछ बोलता ना तो मुझे गोली मार देता भाई। अरे कहाँ खड़ा है वो, कहाँ क्या साला, कहाँ है? झूठ बोल रहा है। अरे पल्ली इधर टूट गया साला, इधर टूट रहा है, इधर कोई नहीं है। अरे हाँ, काले कपड़े में काले था, काले, और उसने अपना मुंह ढका हुआ था। अबे साले उल्लू काले नहीं था वो अभी था अभी। तूने साला उसका मुंह ना खोल सका, तू पता ना सका उसका। अरे भाई साहब वो बोला मारे को खांसी आ रही है, इन्फेक्शन हो गया है, कपड़ा हटाऊंगा तो तुम सब मर जाओगे। मैं डर गया भाई साहब। अरे मरोगे तो अभी, बेवकूफ बना गए तुम सबने, बेवकूफ साले, एक नंबर के गधे हो तुम लोग, साले किसी काम के रहे तुम लोग। अब तो बेटा तू मरेगा सबसे पहले, सब इसकी चाल है। खड़ा कर इसने, साले भूल इधर से, भूल कर इसने। अब तो बन दुल्हन तेरी बनेगी, दुल्हन की स्टोरी तेरी। नहीं भाई साहब नहीं, ये लगी तेरी पीछे ही कभी। नहीं भाई साहब नहीं, साला पकड़ो साले ने। और पंडित तू साले हिलियो मत यहाँ से, साले पहले पूरब दिशा ने भगा के ले गया और अब अभी आगे दोनों ने भगा के ले गया। एक बार मेरे साले हाथ में आ जाए, साले को देखते ही गोली मार दूंगा मैं, जिंदा ना छोड़ूंगा मैं। तू साले बीच में का घुस रहा है, उनको पकड़ना, चलो चलो साले चलो। बेचारा संग्राम क्या अरमान लिए मंडप में बैठा होगा और क्या देख कर उठेगा। नहीं मुझे तो लगता है मंडप से उठने से पहले ही वो इस दुनिया से उठ जाएगा। मर्द बन रहा था ना बहुत जबरदस्ती औरत से शादी करके मर्द कहते हैं अपने आप को। मजा तो तब आएगा जब वो देखेगा कि उसकी शादी किसी मर्द से हो रही है। वो जैसे ही उसकी शक्ल देखेगा उसके सारे अरमान उसके आंसुओं में बह जाएंगे। अरे सालो जल्दी करो, चलो बात चलो, भाई वो। अरे अरे वो देख सामने वो रहे, चल भली गाड़ी में बैठ। अरे जल्दी बिठा सारे, अरे भगा जल्दी गाड़ी ने। जी भाई साहब। ये साले अभी ने कैसे पता चल गया कि मैंने पूरब दिशा ने पकड़ लिया है, और वो साला इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? भाई साहब हमारे को लगता है किसी ने फोन करके बुलाया होगा। अरे ये साला अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आया होगा। भली एक काम कर, हेलीपैड की तरफ ले। अभी लो भाई साहब। अबे गाड़ी में जल्दी क्या कर रहा तू? भगा रहा हूं ना भाई साहब, जीप है, फरारी ना है। अबे तन्ने फरार कर दूंगा मैं, चल देख देख देख। अबे दूजे गियर के आगे बढ़ेगा कि ना साले, कुछ ना होगा तुमसे। अरे साले काम मर गए साले, ये साले का दिख ना रे। भाई जी वो रहे। अबे साले, अरे मेरी गोली से बच के काम भागोगे? दिशा पूरा तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ दी, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? पूरा भटो, ओ नो, अब तो दिखाई भी दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आप गाड़ी तेज चलाइए, संग्राम आ रहा है पीछे। क्या? हाँ हाँ जी, जो तेज चलाइए गाड़ी। ओह शिट, ये तो सुहागरात से पहले ही इसकी आंखें खुल गई। आप बातें क्या कर रहे हैं, आप गाड़ी तेज चलाइए। अभी अभी गाड़ी तेज चला यार, उनके पास गन है, ही कैन शूट अस। वो गोली चला देगा। मैं चला रहा हूँ, अब इससे फास्ट तो गाड़ी नहीं जाएगी ना। अरे मेरी गोली से बच के काम भागोगे सालो? मेरी गोली चला बचोगे तुम? प्लीज तेज चलाइए। चुप बैठोगे? चला तो रहो ना, मैं तेज। आप ऐसे ही चलाते रहेंगे ना तो हम सब के सब मारे जाएंगे। वही तो मैं चाहता हूँ। क्या? मुझे भी बताया कि वो लोग गोली मार रहे हैं, मैं मरना थोड़ी ना चाहता हूँ। हाँ अब मेरी उम्र ही क्या हुई है? और हमारी तो बहुत उम्र हो गई है ना, हमें भी मरने का शौक नहीं है। आप तेज चलाइए। अगर तुम इसी तरह बोलती रही ना तो पक्का मर जाओगे। अरे गाड़ी से ज्यादा तेज तो तुम्हारी जुबान चल रही। मैं चुप रहती हूँ, आप प्लीज तेज चलाइए ना गाड़ी। अरे यार तुम दोनों लड़ना बंद करो, गाड़ी तेज चला यार अभी। सोनो राइफल निकाल जल्दी। ये लो भाई जी। साले राइफल दे जल्दी। ये लो भाई जी, मार दो। साला मेरी गोली से बच के कहाँ भागोगे? वो लोग गोली चला देंगे जीजू। ये साला लगी पकड़ रहा सोने। दिशा तुम ठीक हो? चलिए अभी
आपके सर से खून आ रहा है। आओ। अभी संभल के। जीजू, आपको तो चोट लगी है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग पीछे आ ही रहे होंगे। अरे तुझे खून निकल रहा है यार। अरे तुम लोग मेरी चिंता मत करो, भागो यहाँ से। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना। नहीं जीजू, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ चलो। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप थोड़ी कोशिश कीजिए। थोड़ी हिम्मत कर, हम साथ भागते हैं, कम ऑन। भागो, जस्ट लीव। नहीं, तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे हम। भागो यहाँ से। कहाँ भाग रहे हो? चलो। सड़क किधर लेके भाग रहा था इन दोनों को? साले शेर की मांद में घुस के शिकार करेगा ना, तो शेर सबसे पहले उसी का शिकार करता है। और तू क्या साले? ए संग्राम। ए साले चुप कर रहा है, साला जब देख चिल्लाता ही रहता है। पहले इसकी तो खातिरदारी कर लूं, जो मेरे शहर में पहली बार आया है। चलो रे, ले जाओ इसने बंगले पे। ए संग्राम। और तू कहाँ भाग रही थी? अभी तो शादी करनी बाकी है। चलो ले चल इसने, चल 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 चल। पता नहीं कौन सी ट्रिप पर गया ये अभी। यहाँ मेरे टाइम का मीटर ट्रिप हो रहा है, पता लगाना होगा ये अभी गया कहाँ है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। और एक ये लोग हैं जिनके पास वक्त ही वक्त है, मैच पीपल। नमस्ते दादी जी। नमस्ते ताई जी। अरे आओ सिमोनिका, बेटा तुम आती हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि मैं अभी की नहीं, इन सब की सेक्रेटरी हूँ। अभी के बारे में मैं कैसे पूछूं इनसे? ये फैमिली है जो जवाब कम देती है, सवाल ज्यादा पूछती है। ये ना बोलते हैं कि सेक्रेटरी होकर मैं अपने बॉस के बारे में क्यों पूछ रही हूँ इनसे, पर पूछना तो पड़ेगा ही ना। बीजी, अभी तक कोई फोन आया? वो लोग कब आएंगे पता चला? और बेटा कुछ पता नहीं लग रहा, कब से फोन लगा रही हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा। शादी ब्याह का घर है, शोर में सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए नहीं उठाया होगा। अच्छा हुआ जो मैंने इनसे नहीं पूछा। मिताली नहीं नजर आ रही, ना आते उन्हें नाश्ते की तैयारी की है, ना ही बच्चों का टिफिन तैयार किया, क्या कर रही है ये? अरे घर में टिफिन तैयार हो या ना हो, उसका माहौल बनना चाहिए। अरे गई होगी सुबह सुबह किसी सहेली के यहाँ चुगली करने के लिए। जब तक वो चुगली ना करे ना, उसका तो दिन ही नहीं पूरा होता है। ओ पम्मी, आ गई तेरी बहू। ओ संभाल उसे। कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ हूँ? आ गई तू, कहाँ थी अभी तक? कहाँ थी मतलब? हाँ, जहाँ थी वहां पर बेहोश होकर गिर गई थी। लो ये है ना, शुरू हो गया इसके नए सीरियल का नया एपिसोड। नहीं मम्मी जी, कोई एपिसोड नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। मैं जहाँ थी ना वहां बेहोश होकर गिर गई थी। और ये शिमोनिका, इसने मुझे जूस दिया था वो पीने के लिए, जिसे पीते ही मैं बेहोश होकर गिर गई। बोलो तुमने कुछ मिलाया था उसमें? मिलाया था तुमने कुछ उसमें? शिमोनिका, तुमने क्या जूस पिलाया था मिताली को? मैंने हाँ, वो दादी जी आपने मुझे वो एक्चुअली क्या है ना, मैं प्रज्ञा मैम का जूस और दवाई लेकर गई थी, उनके रूम के बाहर खड़ी हुई थी और मिताली भाभी वहाँ आ गई, उन्होंने वो जूस उठाकर पी लिया। भाभी आप बताइए, मैंने आपको बोला था वो जूस पीने के लिए? नहीं ना, फिर देखिए ये गलत बात है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। दादी वो जूस आपने मुझे दिया था ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप पर इल्जाम लगा रही हैं। नहीं दादी, झूठ बोल रही है। ओए, वो झूठ नहीं बोल रही, वो जूस मैंने ही दिया था
और साथ में दवाई दी थी, और तूने क्या किया, वो दवाई को खा गई। अरे बताओ ना उनको कि तुमने मुझे वो जूस दिया था पीने के लिए। आपने खुद पिया था वो जूस भाभी, नहीं भूल गई। आप देखिए, आप अच्छे से सोई नहीं है, आई एम श्योर आप जाइए, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप कोई जागते जागते कोई सपना देख रही हूँ और बोले जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में सब आ गया। सपना काम ना करने के लिए ये नाटक है इसका। अरे घर का कुछ काम तो तू करती नहीं, कम से कम बच्चों का टिफिन ही बना दिया कर। बड़ी आई बेहोश होने वाली। नहीं मम्मी जी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? दादी दासी गॉड की कसम मेरी बात का विश्वास करो, ये इसने मुझे जूस दिया था पीने के लिए, वो पीते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। सच्ची बोल रही हूँ मैं, मेरी बात सुन लो कोई। ओए मिताली, तेरी बातें सुनने के लिए ये सब वेले नहीं है यहाँ, सबको कहीं ना कहीं काम जाना है। चल चले हम। अरे रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। ओए तू सुना है इनको कहानी अपनी? मैं जरा मॉर्निंग वॉक पर होकर आता हूँ। मम्मी जी तू चुप कर, तू जानती है ना जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। नहीं तो फिर गड्ढा खोदने की मेहनत क्यों करती है तू? नहीं मम्मी जी, ये शिवू ने कहा, इसी ने मुझे जोश दिया था जो पीकर मैं गिर। आई नो वो जूस पीते ही गिर गई थी। आराम कीजिए मिताली भाभी, मैं क्या करूं, आपके घर वाले ऐसे हैं, झूठ को सच समझते हैं, सच को झूठ। मैड हाउस। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी तू? चले सामने बांध दिया अलग अलग, और दूर दूर बांध दियो। अरे बड़े चलाक बनते हैं साले। चले पंडित शादी करे जल्दी। क्या थी? अरे धागा ना चाहिए, धागा पहन कर शादी करे जल्दी। संग्राम मेरी फैमिली को छोड़ दे, कुछ नहीं किया इन्होंने तेरी वजह से। मैं मरने वाला था पर अब तू नहीं बचेगा। मुझे लहंगे में बांध के गया था ना, ये तो ऐसा बांधूंगा सीधे यमराज आके खोलेगा। देख लियो टाइट बांधना, क्योंकि अगर छूट गया ना सारे गुंडों से शादी करवाऊंगा तेरे। छूटेगा तू? छूट के दिखा। अरे कस के बांधना सबने, पर छूट लाना चाहिए। संग्राम ये तुम क्या कर रहे हो? दिशा पूरब की बीवी है, तुम किसी और की बीवी के साथ जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? अरे जबरदस्ती मैंने ना की, जबरदस्ती किस पूरब ने? तो मेरी लुगाई ने ना बड़े मंडप से भगा के ले गया था। पूरब ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, दिशा अपनी मर्जी से गई थी पूरब के साथ। संग्राम छोड़ दे। संग्राम आज छोड़ उसका। ओए हाथ तो लगा के दिखा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? तू तो साले ऐसे चल रहा है जैसे तेरी बीवी की इज्जत पे हाथ डाल रहा हूँ मैं। अरे शादी तो मैं इस पूरब की दिशा से ही करूंगा, और तू कुछ ना कर पाएगा। मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ जो करना है कर ले। ए, चुप कर जा तू, तेरे पीछे भागते भागते थक गया मैं। अगर दोबारा बोली ना तो सावन कोण में फेंकूंगा, ये जल के मरेगी तू। चल सुना दिशा। और तू एक नंबर की चलाक छोकरी है तू, शक्ल से बड़ी बोली वाली दिख रही है ना। जब तेरे घर पे आया था तूने मुझे बेवकूफ बना के मेरी शादी कैंसिल करा दी, और फिर वही काम किया तूने। पहले मुंह पे वार किया था और इस बार पीठ के पीछे। और तू अभी तो रॉक स्टार मुंबई में बड़ा डॉन बना घूम रहा था ना, बट्टा अब ये मेरा इलाका है, पर जब भी बहादुरी दिखानी हो ना तो सबसे पहले इलाके पर नजर मार ले। देख इलाका जो होता है ना वो कुत्तों का होता है, शेर जहाँ जाते हैं उस जगह को अपना जंगल बनाता है और वहीं पर शिकार करता है। पर ये जो तू मर्दानगी की बातें कर रहा है ना, रस्सी खोल फिर दिखाऊंगा कितना बड़ा मर्द है तू। तेरी मर्दानगी तो हमने तब देख ली थी ना जब तू मुंबई आया था, गधा बनकर अपने गधों को लेकर आया था, इसलिए तेरे ही आदमी से हमने तेरी शादी करवा दी, क्योंकि कोई लड़की तुझसे शादी करे तो उस लायक तो है नहीं। अरे बेटा मैं किस लायक हूँ और किस लायक ना हूँ उसकी चिंता छोड़, तू अपने भाई की पत्नी ने बचाने आया था ना, अब अपनी पत्नी ने कैसे बचाएगा? भादुरी पता ही नहीं, दिखाई जाती है। दो झटके तो तुझे दे दिए, तीसरे झटके में सीधा हार्ट अटैक, उसके बाद तो बच नहीं पाएगा बेटा तू। क्या की करेगा तू बोल? एक वो तो तेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन इस बार तू बचेगा। और अभी तुझे मैं बताता हूँ कि मैं तेरा क्या करूंगा। नहीं, 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 प्लीज
प्लीज आप इसे गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। अभी चुप हो जा, मत बोल इसके सामने, मत लग इसके मुंह। एक गोली तो दूर से कोई भी चला सकता, मर्द है तो आंखों में आंखें डालकर गोली चला। मर्द नहीं है, कम से कम मर्दों वाली बात तो कर। चुप हो जा, गुस्सा मत दिला मुझे, मैं बोल रहा हूँ तुझे। आप क्यों कर रहे हैं आप, प्लीज चुप रहिए ना प्लीज। अच्छा तुझे गुस्सा भी आता? मुझे लगा था कि सिर्फ अपने आदमियों को डराने के लिए गुस्सा करता हूँ। चुप कर जा नहीं तो गोली मार दूंगा, बोल रहा हूँ चुप हो जा। अभी चुप हो जा, मत बोल इसके सामने, मत लग इसके मुंह। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू दिशा को पालेगा? दिशा के साथ रहना तो दूर, वो तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। देखना दूर, वो तो भाई जी पर थूकेंगी भी नहीं। अरे भाई जी समय खराब मत करो, गोली मार दो, मारो गोली से। नहीं, 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 नहीं।